देश के सर्वोच्च सदन में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से अनुराग ठाकुर के खिलाफ वैरायटी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय विधायक विकास ठाकरे, विधायक नितिन राउत, विधायक अभिजीत वंजारी, नैश अली, गिरीश पांडव एवं कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की माफी मांगने की मांग की है। इस समय नितिन राउत बोले कि देश के सर्वोच्च सदन में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछे जाना ये निषेधार्थ है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की ओर से अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मंत्री जी ने नरेंद्र मोदी माफी मांगे, संसद के प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को उनकी जाति क्या है करके पूछा। मुझे यहाँ कहना पड़ता है कि संत कबीर दास कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, करो करो तलवार का पड़ा रहने दो मैम, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो मैम। तो ज्ञान पूछना चाहिए, किसी की जाति नहीं पूछना चाहिए। भारतीय संविधान में जो बातें कही है कि किसी को भी उनकी जात पूछना, उनका माँ बाप का नाम पूछना, यह सरासर गलत है। यह जो गलती की और उस गलती को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीस्ट करके उसको स्वीकार किया कि गलती सही है, तो मैं समझता हूँ कि इस देश में एक जातिवादी सरकार केंद्र में बैठी है, उनको भारत के समाज का कोई मोल नहीं है। वह वर्ण व्यवस्था को मानती है, वो मनुवाद क्यों मानती है, उसका हम यहाँ जाहिर निषेध कर रहे हैं। ये लोग जातियों और धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च सदन में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा सरकार जातिवादी है, भाजपा सरकार के मंत्री भी जातिवादी है। सदन में जाति पर सवाल उठाने पर उस सांसद को निलंबित कर माफी मांगी जाए, हम सब ऐसा करने की मांग करते हैं, ऐसा विकास ठाकरे इनके द्वारा कहा गया। प्रयत्न केला आणि यावरून तुम्हाला दिसून येईल कि भारतीय जनता पार्टी ची नरेंद्र मोदी ची मानसिकता काय आहे। ही जातीयवादी पार्टी आहे हे यांनी सर्वोच्च लोकसभेमध्ये सिद्ध करून दाखवलं आहे। आणि आम्ही वारंवार तेच सांगत होतो की या देशामध्ये सर्व धर्म समभावाचं प्रतीक घेऊन चालणारी काँग्रेस आणि एकीकडे जात विचारणारी भारतीय जनता पार्टी, याचा फरक लोकसभेमध्ये जाणवला आणि त्याचा निषेध म्हणून आज या ठिकाणी आम्ही हे आंदोलन करत आहो। नरेंद्र मोदी यांनी अनुराग ठाकूर याच्या वतीने साऱ्या देशाची माफी मागावी, कारण की नरेंद्र मोदींचा असली चेहरा अनुराग ठाकूरच्या निमित्तानं लोकसभेमध्ये दिसलेला आहे आणि नरेंद्र मोदींनीच माफी मागावी ही सगळ्यांची मागणी आहे। हो गया आहे, आपने देखा कि लोकसभा के अंदर जब राहुल जी को जात पूछी जाती है और सर्वधर्म समभाव की हमारी पार्टी कांग्रेस है और जातिवादी पार्टी भाजपा है जो जात पूछने पे मजबूर है, मुझे लगता है कि इसका निषेध करने के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। बीजेपी सरकार देखिए, इससे मुझे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएसएस से, ये उनकी कूटनीति है या उनकी रणनीति है कि वो जात पे जाते। लेकिन देश के स्पीकर ओम बिरला क्या कर रहे थे, क्या वो एक संवैधानिक पद पे, क्या उन्होंने अपने पद की गरिमा का ख्याल रखा या नहीं रखा, आप मुझे बताइए। अनुराग ठाकुर जैसा नेता जो खुद को युवा नेता कहता है, ये उनका चरित्र है? जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, तो एक दूसरे से पूछते थे कि बड़े होकर के आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर। लेकिन आज जिस तरीके का जहर देश में घोला जा रहा है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे ये पूछते, तेरा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र क्या है। इस तरीके की आज देश में स्थिति हो गई है। इससे ज्यादा अफसोस और धिक्कार की बात हो नहीं सकती कि अब तक जो बातें पार्लियामेंट के बाहर हुआ करती थी, आज पार्लियामेंट के अंदर हो रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब देश को तोड़ने का काम, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का काम हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार भोट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।